बीते दो दिनों से अमेरिका कुछ गुब्बारों से परेशान है। अमेरिका का कहना है कि ये चीनी के जासूसी गुब्बारे हैं। आपको बता दें कि मोंटेना में एक जासूसी गुब्बारा देखने के बाद अब लैटिन अमेरिका के हवाई क्षेत्रों में भी एक बड़ा सा गुब्बारा देखा गया है। अभी तक अमेरिका ने इसे गिराने की कोशिश नहीं की है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपनी चीन यात्रा को टाल दी है। वहीं अमेरिका अभी भी ये तय नहीं कर पा रहा है कि इस गुब्बारे का आखिर क्या किया जाए। अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस रफ्तार से ये गुब्बारा हवा में उड़ रहा है उसके हिसाब से ये अभी कुछ और दिनों तक अमेरिका हवाई क्षेत्र में ही रहेगा। सामने आई तस्वीरों को जूम करके देखने पर पता चलता है कि इसका निचला हिस्सा सैटेलाइट जैसा है। वहीं चीन का इस मामले पर कहना है रिसर्च सैटेलाइट है। वहीं अमेरिका के अधिकारियों का इसको लेकर कहना है कि इस समय उनका आकलन ये है कि ये कुछ दिन अमेरिका के ऊपर रहेगा, लेकिन हम अपने विकल्प खुले रखेंगे। एक अधिकारी ने कहा है कि गुब्बारे के नीचे एक बड़ा पैलोड है। उन्होंने बताया है कि ये गुब्बारा इस समय मध्य अमेरिका में है और पूर्व की ओर बढ़ रहा है। मामले को देखते हुए अमेरिकी सरकार के प्रेस सचिव ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने बयान देते हुए कहा है कि Phil, right now, what we're not going to do is get into a hour by hour location of the balloon. Again, we're monitoring it closely. As I mentioned right now, it's over the center of the continental United States. That's about as specific as I'm going to get. But I understand my being convenient, but does the public not have a right to know if the balloon is over? The public certainly has the ability to look up in the sky and see where the balloon is. हमें एक और गुब्बारे के लैटिन अमेरिका के ऊपर से गुजरने की खबर मिल रही है। हमारा आकलन ये है कि एक और चीनी निगरानी गुब्बारा है। इस समय हमारे पास देने के लिए कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले मोंटेना में एक चीनी जासूसी गुब्बारे को अमेरिका क्षेत्र के भीतर उड़ते देखा गया था। इसके ठीक अगले ही दिन लैटिन अमेरिका में भी एक ऐसा ही गुब्बारा देखा गया है। अमेरिकी आसमान में चीनी गुब्बारा देखने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप अपनी चीनी यात्रा स्थगित कर दी थी। वहीं चीन ने दावा किया है कि ये सिर्फ मौसम पर रिसर्च करने वाला एक सैटेलाइट है जो अपना रास्ता भटक गया है। चीन ने कहा है कि उसका किसी भी देश के क्षेत्राधिकार और वायु क्षेत्र का उल्लंघन करने का कोई इरादा नहीं है। आपको बता दें कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन व्यापार, ताइवान, मानव अधिकार और दक्षिण चीन सागर में चीन के दावों को लेकर चीन और अमेरिका के संबंधों में बढ़े तनाव को कम करने के प्रयासों के तहत शुक्रवार रात चीन की यात्रा पर रवाना होने वाले थे। चीन के दावों से उलट अमेरिका का मानना है कि चीन इन गुब्बारों का इस्तेमाल जासूसी के लिए कर रहा है। वहीं चर्चाएं ये हो रही हैं कि आखिर इस गुब्बारे को गिराया क्यों नहीं जा रहा है। गुब्बारा देखने के बाद अमेरिका ने अपने फाइटर जेट हवा में भेजे हैं, हवाई सुरक्षा भी बढ़ाई गई है, लेकिन अभी तक इन गुब्बारों को हाथ नहीं लगाया गया है। इसको लेकर अमेरिका का कहना है कि F-22 फाइटर जेट इसे मार गिराने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा करना काफी खतरनाक हो सकता है। अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि फिलहाल वो इस गुब्बारे पर नजर रखे हैं। अगर हम इस गुब्बारे को मार गिराने की कोशिश करते हैं तो जमीन पर जो कचरा और मलबा गिरेगा वो लोगों को काफी नुकसान पहुँचा सकता है।